डी वी क्लास एट साइंस चैप्टर टेन रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट इस चैप्टर का सोल्यूशन करेंगे हम आज डियर स्टूडेंट चैनल पर मैथ हिंदी साइंस सोशल साइंस संस्कृत सभी सब्जेक्ट के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन प्ले कमेंट या फिर कम्युनिटी को चेक करें सॉल्यूशन करने से पहले सभी बच्चे एक बार ध्यान से सुने आप जब भी सॉल्यूशन किसी चैप्टर का करते हो सबसे पहले आपने क्या करना है उस चैप्टर को समझना है उसका जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है उसको देखना है उसके बाद ही सोल्यूशन करना है अगर आप बिना समझे चैप्टर को आप सोल्यूशन कर रहे हो तो आप सिर्फ रट रहे हो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो मेरी ये एडवाइस है सबसे पहले आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखिए उसके बाद ही सॉल्यूशन कीजिए मैंने डी ए क्लास एट साइंस के सभी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर रखा है सभी चैप्टर चैनल पर आपको मिल जाएंगे चाहे वो मैथ हो साइंस हो संस्कृत हो सोशल साइंस हो आपको हर एक सब्जेक्ट के एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाएंगे और क्लास एट का कंप्लीट सिलेबस हो चुका है हर एक सब्जेक्ट का तो सबसे पहले आप कुछ भी सोल्यूशन करते हो तो सबसे पहले आप चैप्टर को समझो उसके बाद ही सॉल्यूशन करो तभी आपको इसका फ़ायदा होगा सभी सब्जेक्ट्स और सभी चैप्टर्स का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्ले में कमेंट्स में कम्युनिटी में मिल जाएगा तो आप एक बार जरूर चेक करें कमेंट्स को कम्युनिटी को प्लेलिस्ट को आपको सभी चैप्टर मिल जाएंगे तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन ए पार्ट है सबसे पहले समथिंग टू नो का ये पार्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स ब्लैंक्स को हमने फिल करना है ए रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर डज नाट बैंड इट्स पाथ इफ़ इट्स एंगल ऑफ इंसीडेंट इक्वल्स डैश डिग्री एरे ऑफ लाइट एरे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है डज़ नाट बैंड इट्स पाथ और अपना पाथ से बैंड नहीं होती तो एंगल ऑफ इंसीडेंट कितना होगा तो एंगल ऑफ इंसीडेंट होगा नाइन्टी डिग्री सेकेंड है द मोर इज़ द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए गिवन मीडियम द डैश इज़ द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू इट जितना ऑप्टिकल डेंसिटी किसी मीडियम की ज़्यादा होगी डैश इज़ द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू इट और लाइट की स्पीड पर क्या फ़र्क पड़ेगा लाइट की स्पीड कम हो जाएगी जितनी जितनी ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम की ज़्यादा होगी उतनी स्पीड की जो लाइट जो लाइट की स्पीड है उतनी वो कम होगी उस मीडियम में तो आपको ये सभी बातें तभी समझ में आएंगी जब आप चैप्टर को समझ लोगे उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लोगे थर्ड है द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू सेवन कलर्स इज नॉन एज द फिनोमिना ऑफ डैश लाइट का सात रंगों में स्प्लिट होना इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे इस फिनोमिना को बोलेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट डिस्पर्सन ऑफ लाइट। फोर्थ है द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कंकेव लेंस फ्रॉम वेयर ए बीम ऑफ इंसिडेंट रे इंसिडेंट पैरल रे अपियर्स टू डाइवर्स इज कॉल्ड द डैश ऑफ एन कंकेव लेंस तो इसका आंसर होगा फोकस अब ये सारी बातें तभी समझ में आएंगी जब आप एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखोगे ऐसे आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा फिफ्थ है एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट द डैश पॉइंट सो डैट कन्वेक्स लेंस फॉर्म इट्स रियल एंड इनवर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज तो यहां पर आंसर होगा टू एफ अब आगे है हमारे पास और फॉल्स द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट एज इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर जब द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन का बेसिक कॉज क्या है चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट मतलब लाइट की स्पीड में चेंज होना जब वो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो इसका आंसर होगा ट्रू सेकेंड है हमारे पास इन एंड ऑप्टिकली डेंसड मीडियम कोई ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है द स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी वैक्यूम की तुलना में वैक्यूम के कंपैरिजन में तो ये आ जाएगा फॉल्स क्योंकि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है थर्ड है एन इंसिडेंट रे ऑलवेज बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो इंसिडेंट रे है हमेशा नॉर्मल से के मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी बैंड करेगी नॉर्मल से दूर वैन इट पासिस फ्रॉम ए वन ट्रांसपे ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी तो इंसिडेंट रे हमेशा बैंड्स करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो ये भी होगा फॉल्स फोर्थ है ए कोइन कैप्ट एट द बॉटम ऑफ एन एम्प्टी ड्राई कप एक कॉन को रखा गया है एक खाली कप में अपीयर्स टू राइज अप वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा जब उसमें कुछ हम पानी डाल देंगे तो ये आएगा बिल्कुल ट्रू आपने चैप्टर में पढ़ा होगा फिफ्थ है व्हेन वाइट लाइट इज़ डिस्पर्ड जब वाइट लाइट डिस्पर्स होती है यानी कि सात रंगों में वो बटती है बाय ए ग्लास प्रिज्म द येलो कलर इन इट जो उसमें येलो कलर है वाइट लाइट में बैंड्स मोर देन द ब्लू कलर ब्लू कलर से ज़्यादा बैंड होता है ये कह रहा है येलो कलर ब्लू कलर से ज्यादा बैंड होता है तो इसका आ जाएगा फॉल्स इसको मैं अभी आपको दिखाता हूं देखो ये वाइट लाइट है और प्रिज्म में से ये क्या हो रही है भाई डिस्पर्स हो रही है सात रंगों में बट रही है तो आपने याद क्या रखना है आपने याद रखना है विप ग्योर वी आई बी जी वाई ओ आर विपग्योर सबसे देखो इसको अगर आप याद रख लोगे तो आपको फिर कभी भी दिक्कत नहीं होगी क्या याद रखना है विब सबसे ज़्यादा बैंड कौन सी हो रही है वायलेट और सबसे कम रेड ठीक है जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं हम तो लाइट बैंड ज़्यादा होती जा रही है रेड कलर सबसे ज़्यादा बैंड होगा ठीक है तो येलो कलर है देखो फिर ग्रीन है फिर ब्लू है इसने येलो और ब्लू कहा था इसने कहा था कि येलो कलर ज़्यादा बैंड होगा ब्लू कलर से मगर इसमें देखो जो ब्लू कलर है वो येलो कलर से ज़्यादा बैंड हो रहा है तो इसका आ, आंसर होगा फॉल्स जो अभी हमने क्वेश्चन किया था तो आपने क्या याद रखना है विप ग्योर को याद रखना है तो आपको आसानी रहेगी नीचे से ऊपर की तरफ विप ग्योर सबसे ज़्यादा बैंड कौन सी लाइट होगी वायलेट और सबसे कम कौन सी होगी रेड अब हम करते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन First, which of the following condition is not necessary for a change in the direction of propagation when a light ray goes from one medium to another? First is the light ray must be incident at an angle greater than zero degree with respect to the normal as its point of incidence. Second, the two media must both be transparent. The two media must have different refractive indices. और फोर्थ है द इंसिडेंट लाइट रेज मस्ट आलवेज हैव ओनली द ब्लू कलर तो ये तीनों तो ठीक हैं मगर ये वाला क्या है गलत है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट नेसेसरी ये यही इसका आंसर होगा सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली शोज द बेंडिंग ऑफ लाइट रे एज इट गोज़ फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसन मीडियम इन टू एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम जब एक लाइट ऑफ रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तो क्या होगा इनमें से कौन सा डायग्राम ठीक है ये फर्स्ट है ये सेकंड है ये थर्ड है ये फोर्थ है जब डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी देखो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तो नॉर्मल से वो दूर हो जाएगी ठीक है बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल तो यही इसका आंसर होगा थर्ड है हमारे पास द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द एमरजेंट रे फॉर ए रेक्टेंगुलर ग्लास लैब इज इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे जो रेक्टेंगुलर ग्लास लैब में होगी उन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा ज़ीरो डिग्री नाइन्टी डिग्री एंड अपट्यूस एंगल ए नॉन जीरोट एंगल तो इसका आंसर होगा ज़ीरो डिग्री फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट द पासेज ऑफ लाइट ऑफ वाइट लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म जब ग्लास प्रिज्म में से वाइट लाइट पास करेगी ठीक है तो इनमें से कौन सी फिगर ठीक है ये 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 या ये ठीक है अभी देखो अभी मैंने आपको दिखाया था विपग्योर दिखाया था नीचे सबसे क्या होगा भाई विप में नीचे से ऊपर चलेंगे वी आई बी जी वाई ओ आर ऐसे इसको याद कर लो अभी अभी बताया था मैंने विबग्योर तो जो वायलेट होगी वो सबसे नीचे होगी और रेड सबसे ऊपर होगी जो वायलट रंग है वो सबसे ज़्यादा बैंड करेगा और जो रेड कलर है वो सबसे कम बैंड करेगा तो वायलट नीचे है रेड ऊपर है तो ये वाली फिगर हमारी सही है फिफ्थ है एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए कनकेव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू इट इट विल मूव पैर टू इट्स पैरल एक्सज पास थ्रू इट्स प्रिंसिपल फोकस एफ गो अनडेविएटेड पास थ्रू इट्स टू एफ पॉइंट देखो इंसिडेंट रे है और ऑप्टिकल सेंटर कनवे कनकेव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से वो गुजर रही है रिफ्रैक्शन के बाद तो इट विल क्या होगा उसके साथ गो अनडेविएटिड क्या आएगा इसका आंसर गो अनडेवियेटिड वो सीधी निकल जाएगी सिक्स है वेन एन ऑब्जेक्ट अप्रोच इस कन्वैक्स लेंस जब एक ऑब्जेक्ट कन्वैक्स लेंस की तरफ ऐसे अप्रोच करेगा फ्रॉम इन्फिनिटी इन्फिनिटी से टूवर्ड इट्स फोकस फोकस की तरफ द इमेज फॉर्म्ड बाय इट इमेज कैसी बनेगी कीप्स ऑन शिफ्टिंग अवे फ्रॉम द लेंस कीप्स ऑन शिफ्टिंग टूअर्ड द लेंस शिफ्ट फर्स्ट टूवर्ड एंड देन अवे फ्रॉम द लेंस शिफ्ट फर्स्ट अवे एंड देन टुवर्ड द लेंस तो इसका आंसर होगा कीप्स ऑन शिफ्टिंग अवे फ्रॉम द लेंस सेवन्थ है हमारे पास इसका लास्ट है तान्या ग्रैंड मदर नीड्स ए लेंस टू तो रीड स्मॉल लेटर इन हर बुक्स फॉर दिस शी शुड हैव शी शुड यूज तान्या की जो ग्रैंड मदर है उसने एक बुक में स्मॉल लेटर पढ़ने हैं तो उसको कौन से लेंस पढ़ना पड़ मतलब देखना पड़ेगा किसका यूज़ करना पड़ेगा किस लेंस का ए कन्वैक्स लेंस और फोकल लेंथ एफ़ कैप्ड एट ए डिस्टेंस बिटवीन एफ़ एंड टू एफ़ फ्रॉम द बुक ए कंकेव लेंस कैप्ड एट ए डिस्टेंस लेंस देन इट्स फोकल लेंथ फ्रॉम द बुक ए कंकेव लेंस कैप्ड एट ए डिस्टेंस बिटवीन एफ़ एंड टू एफ फ्रॉम द बुक ए कन्वैक्स लेंस कैप्ड एट ए डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ फ्रॉम द बुक देखो जब भी हम छोटे अक्सर पढ़ने हैं बुक वगैरह पढ़नी है किसी को सही से नहीं दिखता ठीक है पास की चीज़ें तो वो हमेशा किसका यूज़ करेगा कन्वेक्स लेंस का ही यूज़ करेगा तो ये कन्केव वाले तो दोनों हो गए गलत ठीक है और अगर कन्वेक्स लेंस का यूज़ भी करना है तो क्या होना चाहिए भाई ये वाला इसका आंसर आएगा ए कन्वेक्स लेंस कैप्ट एट ए डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ फ्रॉम द बुक तो ये इसका सही आंसर होगा तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार